आप सभी को नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हर राशि के ऊपर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या आप ऐसे रेमेडीज कर सकते हैं इस सूर्य ग्रहण के लिए। तो चलिए देखते हैं, हमारी सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण में कैसा रहेगा, उनके लिए कोई ऐसा खास मैसेज उन्हें करने की ज़रूरत है या कोई भी ऐसी रेमेडीज जो वो कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये सूर्य ग्रहण उनके लिए थोड़ा सा थकावट वाला हो सकता है। थोड़ा सा उनका जो इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा उनका वीक हो सकता है। हो सकता है सेहत के लिए वो थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। और अगर हम बात करें तो पुराने जितने भी काम हैं, जो उनके पेंडिंग हैं, जो छूटे हुए हैं, वो काम पूरा करने के लिए उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, लेकिन गिव अप ना करें, अपने कामों को फिनिश करने का कोशिश करें। थोड़े से पुरानी बातें उखड़, जैसे हमारे रिलेशनशिप में हम ये कह सकते हैं कि पुरानी बातें जो हैं वो बाहर आ सकती हैं। कोई ऐसी बात जो हमने दबा दी है, जो बातें दब गई थी, तो पुरानी बातें कई बार कहते हैं ना कि गड़े हुए मुर्दे उखड़ना, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो कई बार क्या होगा कि मेष राशि वालों के लिए इस समय इस रिलेशनशिप में कुछ पुरानी बातें सामने आ सकती हैं या उनके कार्य में कोई पुरानी बातें आ सकती हैं जो उन्हें डिस्टर्ब कर सकती हैं। उनके अगर हम वर्क प्लेस की भी बात करें या उनके करियर की बात करें तो थोड़ा सा मे बी वो कोई उनकी जो टीम वर्क चल रहा होगा उनके ऑफिस में या उनके काम करने के तरीके में, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो टीम वर्क से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आपको फ़ायदा ना हो, इसलिए कोशिश करें कि आप पूरी नॉलेज के साथ आगे बढ़ें, अपनी टीम के हर एक मेंबर के बारे में समझने की कोशिश करें कि कोई ऐसा मेंबर तो नहीं जो आपकी टीम को ख़राब कर रहा है। तो अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी आप काम करें उस अपने कार्य क्षेत्र में उसको कंप्लीट करें, उसे बीच में ना छोड़ें, और अगर किसी से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी ज़रूर लें। ओवरऑल अगर हम इस ग्रहण काल में आपके एरीज राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा लो नज़र आ रहा है। अगर आप किसी से बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। अभी आपको किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि ग्रहण काल के समय क्या होता है कि ग्रहण से कुछ समय पहले और ग्रहण के कुछ समय बाद भी हमें वो जो ग्रहण है वो इफेक्ट करता है राशियों पे, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें कि हम ग्रहण के 10-15 दिन तक भी कुछ चीज़ों का एहतियात बरतें। हम कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें जो हमें मैसेजेस में हमें आई हैं कि हमें नहीं करना चाहिए तो आप वो बिल्कुल ना करें, उसके बाद आप अपने लिए कुछ भी फैसले ज़रूर ले सकते हैं। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो कोशिश करके आप क्या करें कि आप जो हमारे गुरु बृहस्पति हैं अगर आप उनकी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि आप केले के पेड़ को अगर आप जल दें और केले का पेड़ का अगर आप सपोज उसमें कोई पूजा भी आप करना चाहते हैं, उस दिन आप कोई पूजा करना चाहते हैं, जैसे ग्रहण काल के समय स्पेशली आप पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें भगवान सत्यनारायण को या केले के पेड़ को आप जल दें, तो ये आपके लिए रेमेडीज जो है वो बहुत अच्छी है, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब जानते हैं कि अगली राशि है वृष राशि। तो देखते हैं वृष राशि वालों के लिए ग्रहण काल के लिए कैसा समय है, क्या आपके लिए कुछ खास मैसेजेस हैं, आइए देखते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों को थोड़ा सा मेंटल टेंशन हो सकता है अपने परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर। अगर मैं बात करूं तो सभी अभी थोड़ा सा वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप को ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसिस को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए किसी भी तरह का कोई फैसला मत लीजिए, मेंटल टेंशन से आप गुजर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं नए कुछ करने के लिए, तो उन आइडियाज़ को अगेन मैं आपको भी बोलूँगी कि अभी आप अपने आइडियाज़ के साथ आगे बिल्कुल भी ना बढ़ें, क्योंकि समय जो है वो बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। कुछ पुरानी बातें अगेन इस राशि में भी दिखाई दे रही हैं कि पुरानी बातों से आप परेशान हो सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा किसी की वजह से मेंटल टेंशन्स हो सकती हैं, हेल्थ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज अगर हम देखें, डोंट बी सो लो, क्योंकि ये समय ऐसा है थोड़ा सा मेंटल टेंशन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को स्टेबल रखते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, तो आपको किसी भी कार्य में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, सोच को अच्छा रखिए, काम को कीजिए, अपनी पूरी मेहनत, अपना हार्डवर्क अपने कार्य को दीजिए, बिल्कुल आप अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम और चीज़ें भी देखते हैं तो थोड़ी सी मेंटल टेंशन ज़रूर हो सकती है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके लिए इस समय के लिए अच्छा है। तो ग्रहण से कुछ समय बाद तक, यानी कि 10 से 15 दिन का जो समय है,
आप अपना ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इमोशनली आपको बिल्कुल ड्रेन आउट नहीं होना, जो भी आप फैसले लेंगे वो इमोशनल होकर नहीं लेंगे, दिमाग से सोच कर लेंगे। तो दिमाग से सोच के चलिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगी। अब चलिए बात करते हैं कि वृष राशि वालों के लिए रेमेडीज क्या हो सकती हैं। आप वृष राशि वालों के लिए यही कहूंगी कि आप माँ काली का जरूर ध्यान करें, अपने जितने भी कष्ट हैं आप उनको प्रार्थना करें कि आपके सारे कष्ट वो ले लें, आपके कष्टों को हर लें। तो आप जरूर उस दिन अगर हो सके तो माँ काली की पूजा जरूर कीजिएगा, और शनिदेव के मंदिर भी आप जा सकते हैं। उस दिन नहीं जाना, लेकिन आप जैसे ही पहला शनिवार आता है ग्रहण काल के बाद, उसमें आप जरूर मंदिर जरूर जाइएगा और उनको तेल का दिया जरूर जलाइएगा, तो आपकी तकलीफें दूर होने के चांसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं। अब अगर बात करते हैं हमारी अगली राशि यानी कि मिथुन राशि, तो देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या मैसेज लेकर आए हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आपके लिए कैसा समय है, ग्रहण काल का जो बाद का समय है वो आपके लिए क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं पहले उनके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में अगर आप शादी करने के मूड में हैं, अगर आपको लगता है कि आपको रिलेशन आगे बढ़ाना है, तो थोड़ी सी टेंशन जो है वो दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके अगर अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा समय जो है वो उतार चढ़ाव वाला दिखाई दे रहा है। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे रही है, तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने बड़े बुजुर्ग की हेल्थ का भी घर में ध्यान रखिएगा। अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि ये जो आने वाला समय है इसमें आप भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर बैठकर भी कोई भी ऐसी पूजा पाठ आप अपने लिए सोच सकते हैं, उस पूजा पाठ को आप कीजिएगा, आपका मन जो होगा वो शांत होगा, आपके रिश्ते भी जो है वो आगे से बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो तकलीफ है रिश्तों को लेकर वो भी दिखाई दे रही है। आपके काम को लेकर अगर बात करें तो काम में कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आपके काम को, आपके वर्क एरिया में कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें दे सकती है। मे बी आप इमोशनली थोड़ा सा वीक हो सकते हो, कोई किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को दिल से लगा सकते हो। तो कोशिश करें कि किसी की भी बात का बुरा ना मानिएगा, आप उस बात को यहाँ से सुनिएगा और यहाँ से निकाल दीजिएगा। अगर आप कुछ फाइनेंसिस को लेकर कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो उसे बहुत ध्यान से कीजिएगा, लेकिन किसी को पैसे देइएगा नहीं। कहने का मतलब आप किसी को भी समय पर पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि आपके पैसे वापस आने के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने पैसों का ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है तो अपने टेस्ट को बिल्कुल अप टू डेट रखिएगा, अप टू मार्क रखिएगा। कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिएगा, योगा प्राणायाम भी करना शुरू कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर ओवरऑल हम देखें तो ये जो समय है इसमें इमोशनली आप कुछ ना कुछ अपने आप को एक नया अंदर से आप फीलिंग्स जो है वो आप फील कर सकते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हैंडल या मैनेज कर लेंगे। तो कोशिश करिए कि अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को जितना ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं उतना बैलेंस कीजिएगा। कहीं ना कहीं कुछ अच्छी न्यूज़ आने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, शायद आप कहीं यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा ध्यान से कीजिएगा, अपना पूरा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कहीं कोई ऐसा कोई कार्य है जिसमें बहुत ज़रूरी आपको जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से किसी कोई गाइडेंस लेके ज़रूर जाइएगा, ऐसे बिना किसी सलाह के मत जाइएगा। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा सा समय अप्स एंड डाउन्स वाला है, लेकिन आप उसे बहुत बखूबी हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आई होप कि आप अपने मेंटली एंड बाय हार्ट अपने इन चीज़ों को बैलेंस करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपके लिए हम रेमेडीज क्या रखें, रेमेडीज में भी उसमें आपको यही बोलूंगी कि आप भी माँ काली का ध्यान करें, माँ काली की पूजा करें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है माँ काली उसे दूर कर दे। और कोशिश करें कि शाम को तुलसी के आगे आप लगातार 7 दिन देसी घी का दिया जरूर जलाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपने घर की तुलसी में देसी घी का दिया जरूर जलाएं, जितना समय कम से कम 7 से 8 दिन लगातार जलाएं। अगर डेली जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं समय है, कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मिनिमम 7 डेज आप जरूर जलाएं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जरूर दूर होंगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी 3 राशियां, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी अगली 3 राशियों को लेकर आती हूँ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे आप सभी मेरी वीडियोस देख रही हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर आती हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।